हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ राइस पाउडर। राइस पाउडर यानी चावल का आटा है। ये दोस्तों हर कोई के घर का रसोई घर में रहता ही है। इसको हम लोग ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं, पर दोस्तों इससे बहुत अच्छा ब्यूटी टिप्स भी बनता है। दोस्तों इसका 5 टिप्स मैं आज आपको दिखाऊंगी। मेरा फर्स्ट टिप्स है फेयरनेस के लिए चावल का इस्तेमाल। चावल का डस्ट यानी चावल पाउडर है जो राइस पाउडर, इसका इस्तेमाल। इसके लिए आपको 1 टेबल स्पून राइस पाउडर लेना है और इसमें आपको बेसन लेना है 1 टेबल स्पून। राइस पाउडर भी फेयरनेस देने में बहुत मदद करता है और बेसन भी। और मिल्क में मिल्क लगेगा इसमें 2 चम्मच। मिल्क में जो एंजाइम रहता है ये भी व्हाइट फेयरनेस देने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मिल्क ले रही हूँ। उसके साथ टमाटर का पल्प लेना है आपको 1 चम्मच। इन चारों को मिला के आपको एक पैक बनाना है। ये पैक को अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। इसको पूरा चारों को एक साथ मिक्स करके एक पैक बनाइए। इस पैक को आपको 20 मिनट लगा के रखना है। 20 मिनट रखने के बाद आपको रफ करके इसको धोना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेहरे पे लगा के, और गुनगुना पानी से इसको धोना है। ऐसा आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फेयरनेस पाने के लिए टिप्स है। अभी दोस्तों मैं इसको अपने हाथ में लगा के आपको दिखाऊंगी। 20 मिनट रख नहीं पाऊंगी। आप बाद में जब अपने चेहरे पे लगाइएगा तब उसको 20 मिनट रखिएगा। मैं तुरंत लगा के तुरंत धो के दिखाती हूँ। ये इंस्टेंट फेयरनेस देगा। इसको रख के 20 मिनट रख के आप इसको धोएंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा। इसको लगा के आपको धोने के टाइम में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करके ही धोना है गुनगुना पानी से। मैं अभी धो के दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा कितना अच्छा पैक है। अभी तक मैं बहुत सारा फेयरनेस के पैक के बारे में इससे का पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें दिखाई हूँ। जिनको भी फेयरनेस पाने के लिए ब्यूटी टिप्स चाहिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों कोई भी डार्क स्पॉट घटाने के लिए राइस पाउडर का इस्तेमाल। इसके लिए आपको 1 चम्मच राइस पाउडर लेना है। इससे दोस्तों आपका कोई भी डार्क स्पॉट जैसे पिंपल का, एक्ने का, कोई भी किस्म का डार्क स्पॉट ये घटाएगा अच्छी तरह। आपको 1 चम्मच राइस पाउडर लगेगा और 1 चम्मच हनी लगेगा और 1 चम्मच लेमन जूस लगेगा। इन तीनों को एक साथ मिक्स कीजिए। मिक्स करके एक पैक बनाइए। इसमें दोस्तों थोड़ा पानी भी लगेगा, कोई भी प्लेन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। लेके इन तीनों को मिला के आप एक पैक बनाइए। उस पैक को जहाँ पे भी आपका डार्क स्पॉट आए वहाँ पे लगा के रख दीजिए 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट रखिए। उसके बाद गुनगुना पानी से इसको धो लीजिए। ये पैक मैं आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। ये जहाँ पे भी आपका डार्क स्पॉट है उसको वहाँ पे लगा के रखिए। ड्राई होने के बाद रफ करके धोइएगा गुनगुना पानी से। ये बहुत अच्छा आपका डार्क स्पॉट निकालने के लिए पैक है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में 3 दिन। मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों सनटेन रिमूव के लिए चावल का आटे का इस्तेमाल। इसके लिए आपको 1 टीस्पून राइस पाउडर लेना है। इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है 1 टीस्पून। मुल्तानी मिट्टी का डस्ट रहेगा वो तो भी चलेगा, और मुल्तानी मिट्टी ऐसे आप खरीद के लेकर आएंगे तो उसको आप पहले 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को डस्ट बना के उसको भिगो के रखिए। यहाँ पे मैंने डस्ट लिया है पूरा, मुल्तानी मिट्टी पाउडर मिलता है जो मार्केट में, वो मैं खरीद के लेके आई हूँ। ऐसे आप मिट्टी लेके आइएगा तो उसको भिगो के रखिएगा 1 चम्मच, फिर उसको लीजिएगा इस पैक के लिए। इसके साथ आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और 1 चम्मच लेमन जूस लेना है। इन चारों को मिला के, इसमें थोड़ा पानी लगेगा, पानी दे के आप इन चारों को मिला के एक पैक बनाइए। ये पैक बहुत अच्छा सनटेन रिमूव करता है दोस्तों। जब भी आप धूप में बाहर जाइएगा, घर पे जब रिटर्न आएंगे तब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी से आपका
कोई भी सनटैन या सनबर्न आ गया हो वहाँ पे लगा के इसको रख दीजिए 15 मिनट। 15 मिनट बाद आप गुनगुना पानी से इसको धोइए। ये बहुत अच्छा सनटैन रिमूव करता है, इंस्टेंट सनटैन रिमूव करेगा ये आपका। अभी मैं थोड़ा पानी ले रही हूँ, इस पैक को मैं बना के आपके सामने लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा तुरंत रिजल्ट देता है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए इसको, फिर इसको लगा के आपको 15 मिनट रखना है। 15 मिनट बाद आपको इसको गुनगुना पानी से धो लेना है रब करके। जब भी कोई भी पैक आपको धोना है तभी आप पैक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करके ही धोएगा। पहले पानी से आप जहाँ पे आप पैक लगाए हैं वहाँ पे थोड़ा डैप कर लीजिए। सूख गया है पैक तो वहाँ पे थोड़ा पानी डैप करके उसको मॉइस्ट कीजिए, फिर उसको धो लीजिए। दोस्तों मैं इसको जल्दी से लगा के आपको दिखाती हूँ। मैं अभी का अभी धो लूँगी, पर आप जब भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा इसको 15 से 20 मिनट रखना है। 20 मिनट बाद ही आपको धोना है गुनगुना पानी से। दोस्तों इसको तो इस्तेमाल कीजिएगा ही, और जब आप कहीं पे भी बाहर धूप पे जाइएगा तब आपको कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन के बिना कभी आप बाहर मत निकलिए। आप ये हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं अभी आपको ये धो के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस पैक से सन टैन रिमूव के लिए, इसको आप यूज़ कीजिए। मेरा नेक्स्ट टिप्स है ग्लोइंग स्किन पाने के लिए राइस पाउडर के इस्तेमाल। इसके लिए आपको 1 चम्मच राइस पाउडर लेना है, और 1 चम्मच हनी लेना है, और 1 चम्मच आपको मिल्क लेना है। इन तीनों को आप एक साथ अच्छी तरह मिला के एक पैक बनाइए। इस पैक को आप चेहरे पे लगा के रख दीजिए 15 से 20 मिनट। 20 मिनट बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। ये बहुत अच्छा ग्लोइंग स्किन पाने के लिए है। इसको आप हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कीजिए। ये चेहरे पे लगा के जब तक ना ये हाफ ड्राई हो, ये पूरा ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी है, तो इसको आपको 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद आपको धो लेना है। ये बहुत अच्छा ग्लोइंग स्किन पाने के लिए टिप्स है दोस्तों। इसको अप्लाई कीजिए, ये स्किन का डेड सेल निकालेगा, स्किन को रिजुमिट करेगा, और इसके साथ ही साथ स्किन में एक ग्लो देगा। जिनका भी ऑयली स्किन है दोस्तों वो ये पैक इस्तेमाल कीजिए, और जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए आप मिल्क का जो क्रीम है उसको दूध के जगह पे ले सकते हैं। मिल्क का क्रीम 1 चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच आप राइस पाउडर लीजिए, और 1 चम्मच हनी लीजिए। इन तीनों को मिला के आप लगाइए जिनका भी ड्राई स्किन है। ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, और अभी जो मैं पैक बनाई हूँ ये पैक आपका ऑयली स्किन के लिए है, ग्लोई स्किन पाने के लिए। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों स्किन स्क्रबर के लिए राइस पाउडर का इस्तेमाल। ये जो स्क्रबर मैं बना रही हूँ ये आपका सब टाइप का स्किन के लिए ये लगेगा। ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए स्क्रबर है। इसके लिए आपको 2 चम्मच राइस पाउडर लेना है, और 2 चम्मच आपको मिल्क लेना है, और इसमें 2 चुटकी आपको हल्दी लेना है। इन तीनों को मिला के आप एक पैक बनाइए। इसमें कोई भी पानी नहीं लेना है इसमें। अब इसमें ये ड्राई बन जाएगा तो पैक, इसमें थोड़ा और आप मिल्क डाल सकते हैं। इसका अच्छा सा एक पैक बनाइए, गाढ़ा पैक। इसको लगा के अब रख दीजिए बॉडी में 15 मिनट के लिए। बॉडी में आपका नेक में चेहरे पे कहीं पे भी आप ये लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा डेड सेल निकालता है, स्किन को रिजुविनेट करता है। ये डेड सेल निकाल के नया सेल लाने में मदद करता है। ये बहुत अच्छा ब्यूटी स्क्रबर है। ये हर टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप ट्राई करके देखिए। ये मैं बना के आपके सामने लगा के दिखाऊंगी दोस्तों। ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इसको हफ्ते में आप 3 दिन कर सकते हैं। ये मैं अभी लगा के दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं इसको धो के दिखाऊंगी। मैं तो तुरंत धो लूँगी। ऐसे आप जब धोइएगा तब 15 मिनट रख के इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करके ही धोना है, नॉर्मल वाटर से धोना है। ये बहुत अच्छा एक स्क्रबर है। आपका स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक रेगुलर मेंटेनेंस के लिए कोई पैक लगाना चाहते हैं तो इस स्क्रबर को आप यूज़ कीजिए। हफ्ते में 3 दिन ये आपका स्किन को और भी अच्छा बेहतर बनाएगा। ये स्किन का डेडसेल निकालेगा, और आपको स्किन को और भी सुंदर बनाएगा।
ओके थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, टेक केयर।